हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु, जो स्टोरी है इसका ऑथर कौन है? ए जी क्रोनिन, विलियम बर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर और विलियम सोरोयन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, विलियम सोरोयन। वॉट वर द हॉलमार्क्स ऑफ और गैरोगिलियन फैमिली, जो गैरोगिलियन फैमिली है उसकी क्या पहचान थी? देखो, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए स्टोरी ऑफ टू बॉयज, दो लड़कों की कहानी है। वो दो लड़के किस कबीले से बिलोंग करते थे? आर्मेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और असीरियन से कौन था? जॉन बयारो था, तो ए करेक्ट है। मोरेड एंजॉय बीइंग मोर देन एनीबॉडी एल्स, कि जो मोरेड था अन्य व्यक्ति से अत्यधिक वो कैसा था? क्रेजी था। कैसा था? क्रेजी था, अलाइव था, फनी था। और हम देखते हैं मोरेड एंजॉय, और मोरेड ने एंजॉय किया बीइंग अलाइव मोर देन एवरीबॉडी एल्स, कि अन्य व्यक्ति से अधिक जीव, मतलब है उन्मादी प्रकृति, एक तरीके से अलाइव होकर है, जिंदा दिली होकर है उसने एंजॉय किया था घुड़सवारी का। वॉट अकॉर्डिंग टू एरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग, एरम के अनुसार है उसकी पहली इच्छा क्या थी? तो देखो, टू राइड ए हॉर्स, घोड़े पर घुड़सवारी करना, इसका क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। वाई कुडंट एरम बिलीव, एरम को क्यों विश्वास नहीं हो सका? व्हेन ही सा मोरेड विद द हॉर्स, जब उसने मोरेड को घोड़े के साथ देखा। और हम देखते हैं बिकॉज, क्योंकि दे वर पुअर, वो गरीब थे और इसीलिए वो घोड़ा है खरीद नहीं सकते थे जब उसने घोड़े पर मोरेड को देखा। वेयर डिड एरम लिव, एरम कहाँ रहता था वो, और वो कहाँ रहते थे? एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, आपको ध्यान रखना है एरम कहाँ रहता था, कि वॉलनट एवेन्यू कस्बे के और किनारे पर वो रहते थे। ओके, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल ही। हाउ डज एरम डिस्क्राइब द हॉर्स, जो एरम है घोड़े के बारे में कैसे वर्णन करता है? मैग्निफिसेंट था, लवली था, ब्यूटीफुल था, और वाइट हॉर्स था। इसमें देखो, मैग्निफिसेंट था वो हॉर्स, लवली था, ब्यूटीफुल था, और इसमें हम देखते हैं जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट है। वो घोड़ा कैसा था? मैग्निफिसेंट था, लवली था, ब्यूटीफुल था। नो मेंबर ऑफ द गैरोगिलियन फैमिली कुड बी, कैसा हो सकता? पुअर, रिच, ए थीप, थीप नहीं हो सकता था। तो इसमें जो नाइन है उसमें क्या है? थीप नहीं हो सकता था, पुअर थे, रिच भी हो सकता, क्रेजी हो सकता है। मोरेड वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज, तो यहाँ पर देखते हैं अंकल, जो अंकल था खुसरो था, उसके उसमें कुछ लक्षण थे। हाउ कुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसरो, अंकल खुसरो को आप कैसे वर्णन करोगे? वो तीनों ही था, हॉट टेम्पर था, इरिटेबल था और इम्पेटेंट था, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। What did Uncle Khosrow do to stop anyone from talking? कि अंकल खुसरो है किसी को भी बातचीत करने के से रोकने के लिए क्या करता था? By beating them, awaking, shouting at them, उन पर जोर जोर से चिल्लाता था। तो इसमें देखते हैं हम सी है करेक्ट। What was Uncle Khosrow's customary line? कि जानी पहचानी लाइन कौन सी थी?
इसमें जो ऑप्शन है डी है, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि वाली बात नहीं है, ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन एरम रोड द हॉर्स अलोन, जो एरम था वो घोड़े पर अकेला घुड़सवारी की उसने, इट रेन डाउन द रोड टू द, और वह सड़क से होकर कहाँ होकर गुजरा था, वाइन यार्ड है, इरीगेशन और डिचेज है, फील्ड्स है, और कंट्री साइड और ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ था, देखो वाइन यार्ड अंगूर के बगीचों में। मोरेड हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, मोरेड ने उस घोड़े को कहाँ छिपाया था, स्टेबल में, इन बैरन ऑफ वाइन यार्ड अंगूर के और खलियान में। और हम देखते हैं ये सीक्रेट प्लेस ऑफ द हाउस, तो यहाँ पर देखो इसमें बी, इन ए वन ऑफ है ये वाइन यार्ड। वॉट वॉज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिटियली, कि आरंभ में घोड़े का व्यवहार कैसा था, इट वॉन्टेड टू बी ट्रेन, इट वॉन्टेड टू रेस्ट, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, कि वो है, और वाइल्ड का मतलब है एक तरीके से अशिक्षित के समान दौड़ता था, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, मानो कि घोड़े ने उस तरीके से दौड़ता था। और प्रारंभ में जब हम देखते हैं वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिड है मोरेड मेंशन विद द हॉर्स, हॉर्स घोड़े के साथ है, मोरेड ने किस प्रकार की समझ है उसको बतलाई थी, उल्लेख करता है घोड़े के साथ उसकी समझ कैसी थी, मैच्योर थी, सिंपल, ऑनेस्ट थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, डिफ़िकल्ट थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल एंड ऑनेस्ट, घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग। जॉन बायरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ, और देखो जॉन बायरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ, जो जॉन बायरो था वो आर्मेनियन फैमिली को बतलाता है किसके बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में बताता है जब उसका घोड़ा है वो गायब हो जाता है। हु वॉज ही टू नोअर ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसको पता था, कि आपको पता है कि जॉन बायरो को पता था कि वो घोड़ा था उसी का ही था। फॉर हाउ लॉन्ग डिड मोरेड हैव द हॉर्स बिफोर एरम गॉट टू नो अबाउट इट, कि फॉर हाउ लॉन्ग डिड मोरेड है, कि कितने समय मोरेड ने रखा दी हॉर्स बिफोर एरम, एरम के सामने गॉट टू नो अबाउट इट, इसके बारे में जानने के लिए, और मोरेड ने एरम को कितना समय दिया था। तो आपको पता ही है कि वन मंथ, फॉर हाउ लॉन्ग डिड मोरेड हैव द हॉर्स बिफोर एरम गॉट टू नो अबाउट इट, कि मोरेड ने और एरम के सामने घुड़सवारी सीखने के लिए कितना समय दिया था उसे, एक महीने का। एट वॉट टाइम डिड एरम एंड मोरेड राइड द हॉर्स, किस समय मोरेड और एरम है घोड़े पर घुड़सवारी करते थे, तो आपको पता ही है अर्ली मॉर्निंग करते थे, तो बी आएगा इसमें, आई हैव ए बे विथ फार्मर्स हु सेज इट टू होम, यह कथन किसने किसको कहा, कि किसानों के साथ मेरा एक तरीका है, अर्थात मेरी समझ है। तो ये मोरेड ने एरम से कहा था कि मैं उसे समझा सकता हूँ अच्छी तरीके से। जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा, ए सस्पिशियस मैन, एक संदेहशील व्यक्ति, वुड बिलीव हिज आईज, एक संदेहशील व्यक्ति को और विश्वास नहीं होता, इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट, अपने हैं और हृदय के अलावा, कि उसे जो आंखों से देख रहा है उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो उसका दिल कहता है वो कुछ और बोलता है। वॉट डज इट टेल अबाउट हिम, यह बात किसने किससे कहा था, तो आपको वॉट डज इट टेल अबाउट हिम, कि जॉन बायरो ने और किसके बारे में कहा था, ही बिलीव इन द ऑनेस्टी ऑफ ए गैरोगिलियन फैमिली, उससे गैरोगिलियन फैमिली पर और ईमानदारी पर विश्वास था, क्योंकि जो घोड़ा था उन्होंने उनके घर पर
और देखा था। Why did the horse owner refuse to believe? The boys had stolen his horse. कि घोड़े के मालिक और घोड़े के मालिक ने क्यों मना कर दिया था इस बात पर विश्वास करने थी करने से कि लड़कों ने ही उस घोड़े को चुराया था। तो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर फैमिली वॉज नाउन ऑनेस्टी, क्योंकि उनका परिवार है ईमानदारी के लिए जाना जाता था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ था कि घोड़ा उन्हीं ने ही चुराया था। व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स, और उन्होंने घोड़े को कब लौटाया था, तो आफ्टर दे रैन इनटू और जॉन वायारो। देखो आफ्टर आयरम लर्न टू राइड, तो आफ्टर दे रैन इनटू जॉन वायारो कि वो दौड़कर जॉन वायारो के पास है वो गए उसके खलियान में और उन्होंने उस घोड़े को और लौटा दिया था। Why did the boy return the horse, white horse to its owner? कि लड़कों ने उस घोड़े को और मालिक को क्यों लौटा दिया था? और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 26 है इसमें हम देखते हैं ए है बिकॉज, क्योंकि दे वर कंसियस स्ट्राइकर, क्योंकि एक तरीके से उन्हें एक तरीके से आप है उनका लगाव होना कंसाइंस स्ट्राइक, उनकी आत्मा है वो जागृत हो गई थी, अर्थात है कि मालिक को वापस लौटाना चाहिए। आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकेम, और घोड़े को चुराने के पश्चात है और जब इसे लौटा दिया गया था इट बिकेम, तो घोड़ा कैसा था? तो हम देखते हैं इसमें इसमें देखो इसमें रफर स्टिक सिक इल, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी स्ट्रोंगर बेल टेम्पर था। क्यूट ए मैन क्यूट है, छोड़ो छोड़ो योर हैस बीन रिटर्न, आपका जो घोड़ा है वो लौट आया है। हु सेड दिस, ये कथन किसने कहा था? तो आप देख रहे हो इसमें अंकल खोसरोव ने कहा था जॉन बायारो से। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता कौन है? द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं एरम है वर्णन करता। और वॉट आइडिया थीम डज द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो ये स्टोरी है उसकी थीम क्या है? देखो ऑनेस्टी ऑनर ट्रस्ट है, ये आप देख रहे हो इसकी थीम में सभी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।